बोली वैसा गीत बना दिया वैसे। कवियों ने छंद, छंदों में ठीक है, कवियों कवियों की भाषा में, पर ऐसे बोलचाल में अपनी भाषा से अपनी शालीनता प्रकट होती। धवला की मतलब धवला में गोत्र की पहचान अपनी वाणी से होती है, ऐसी एक पंक्ति दी वीर सेन आचार्य महाराज ने। आप एकदम अचंभित हो जाओ ऐसी पंक्ति है, कि उच्च गोत्र है या नीच गोत्र है, वचनों से पकड़ में आ जाता है। धवल ग्रंथ में अद्भुत है। हम लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए थे पहले जब हमने देखा कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है। एक चिल्लक विभिन्न सारा मूल हमारे लिए सिद्धांत करना है, जी। चिल्लक विभिन्न सारा भी है उनको बिल्कुल दिखता नहीं है, वो अच्छा आहार कैसे करें उसके लिए तो लिखना ही कहा बने बात हो गई। तो ये वैयावृत्ति के अंतर्गत भी आता है ना, कि अन्य साधु वैयावृत्ति के रूप में उनको शोध करके आहार दे सकते हैं। और क्या? वो मार्ग नहीं है, नहीं, मार्ग तो अच्छा है राइट नहीं, लिखना के लिए नहीं अलग व्यवस्था होती है। ये है, धवला की उम्र 13वीं पुस्तक में है, है शब्दों से पहचान में आ जाता है कि आए थे रोते रो गए साध्वाचार्य साध्वाचार्य कृत संबंधानां आर्य प्रत्ययाभिधान व्यवहार निबंधनानां पुरुषाणां संतान उच्चैर गोत्रम् तत्रोत्पत्ति हेतु कर्माप्युच्चैर गोत्रम्। प्रशस्त आचरण वालों के साथ किया है संबंध जिन्होंने, और आर्यत्व की पहचान कराने वाले वचन व्यवहार जिनके उच्च गोत्र का कारण है, यानी उन वचनों के कारण ये जाना जा सकता है कि ये उच्च गोत्री है, ऐसे पुरुषों की संतान उच्च गोत्रीय कहलाती है। और उसमें उत्पन्न होने में कारणभूत जो कर्म है उस कर्म को भी उच्च गोत्र कहते हैं। ये उच्च गोत्री की परिभाषा। धवल ग्रंथ में है, 13वीं पुस्तक में, सूत्र 135। त्रयोदश तो अभी पहले अपन समय का जो वर्णन चल रहा है ना उसको पहले पूरा समझ लेते हैं, फिर अपन इसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करेंगे। अभी अंगों का वर्णन शेष है, उसको अपन कर लेते हैं। 51 क्रमांक तक अपन आए थे, तृतीय अधिकार दर्शनाचार में अपन ने 51 काव्य तक स्वाध्याय किया था। तो इसके बाद आज 52वां काव्य है, हेतुद्वयोत्थ कार्यानु मेयेयं भवितव्यता दुर्लंघेति भयाभावो निःशंकत्वं भयोदये। अंतरंग और बहिरंग हेतु से उत्पन्न होने वाले कार्य से जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसी यह भवितव्यता है, होनहार है। होनहार जो होती है, होनी, वह अंतरंग और बहिरंग हेतुओं से उत्पन्न होती है, अहेतुक नहीं होती है, होनी।
और वह भवितव्यता दुर्लंघ्या, दुर्लंघ्य है अर्थात उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जब दोनों हेतुओं से कार्य निष्पन्न हो रहा है तो वो अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए भयोदय भयाभाव, भय का उदय होने पर, भय उत्पन्न होने पर भय का अभाव कर देना, इसका नाम निशंकितम है। ये बहुत समझने की बात, बहुत गहरी बात है। अपन कार्य कारण की तरफ ध्यान नहीं देते ना, केवल घटना को पकड़ते हैं और तुरंत कषाय करने लग जाते हैं। ऐसी बुरी आदत पड़ी है कि एकदम कषाय में संलग्न हो जाते हैं। नहीं, आप उसके अंदर देखो, आप कहाँ बाहर दृष्टि बने हुए हैं। फिर आपको क्या केवली भगवान आपको अंतरात्मा मानेंगे क्या? अंतर्दृष्टि लगाओ उसमें, कोई भी घटना हो रही है, आपको जितने कारण दिख रहे हैं उन्हीं को आप पकड़ रहे हो कि इसके कारण मेरा काम बिगड़ रहा है, इससे मुझे टेंशन हो रहा है, इस परिस्थिति में मैं धर्म ध्यान नहीं कर सकता। तो हर घटना का अंतरंग कारण भी होता है और बहिरंग कारण भी होता है। आप देखिए, आपके साथ ऐसी घटना क्यों हो रही है, सबके साथ क्यों नहीं हो रही? तो सीधा सा उत्तर है कि आपने ऐसे कर्म बांधे हैं। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा? तो आप अपने कर्मों को तो भूल गए और बाकी सब अपराधी हो गए आपके लिए। आपने अपने और विश्वास होना चाहिए। और यहाँ तो भय के विषय में विशेष रूप से कह रहे हैं कि कोई ऐसी डरावनी स्थिति आ रही है आपके सामने, तो आप ये समझ लो कि ठीक है, ये दोनों हेतुओं से उत्पन्न कोई घटना है और उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यही भवितव्यता है, अर्थात मेरी जीवन यात्रा में ये मेरी होनहार है। अगर कोई उपसर्ग आ रहा है, अगर कोई और उपद्रव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ठीक है कि मेरी यात्रा का एक अंश है। लड़के को थोड़ी जाना था, उसको वहां भेजा उस टाइम, उनका हृदय कैसा बन जाता है वहां जाकर। उसका छोटा भाई आया, भैया क्यों खड़े, भैया क्यों भेजा करके वो वहां खड़ा, वो मैं अपने टायर में बैठी थी वहां, उसको भी आएगा जैसे मारे। जब ये गया तो वहां बड़ा भाई आया, छोटा भाई आया, तो बोले बड़े भाई को भेजा हूँ मैं काम कर रहा हूँ, तो भाई बोले क्या छोटे भाई को सौतन 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 का लड़का, स्वतंत्र लड़का, पहले वाला बड़ा लड़का था, दूसरा उसकी लड़के की माँ खत्म हो गई, छोटे भाई छोटे लड़का उसके माँ को दोबारा शादी हुई, तब वो बड़े को मांगना था, तो उन्होंने पंडित 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 था बोल रखा था वहाँ, यहाँ कोई चढ़ा के भेज देंगे उसको मार देना। छोटा भाई आया, दोनों बहुत प्यार था, छोटा भाई आया बोले बड़े भाई को भेजा, तो कुछ दिन देखा यार इसके बारे में एक उदाहरण और आता कि एक कोई निमित्त ज्ञानी ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु सर्प दंश से, सांप डसने से कल शाम के पहले हो जाएगी, कल शाम तक तुम जीवित रह सकते हो, उसके आगे नहीं रहोगे, तुम समाप्त हो जाओगे। तो उसने संकल्प किया कि मैं इसकी बात को असत्य करके रहूंगा, मैं नहीं मानता इस ज्योतिष विद्या को। तो उसने क्या किया, वो बर्फीली पहाड़ियों पर चला गया जहां सांप रहते ही नहीं है, वहां चला गया हूं। और शाम होने को आ गई तो वो तो खुशियां मनाने लगा कि देखो मेरी मृत्यु का जो काल है वो तो टल गया, अब तो मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। लेकिन सांझ ढलने से पहले एक गरुड़ पक्षी
ऊपर से निकला और उसने कोई सांप पकड़ के रखा था मुंह में, जहरीला सांप था। वो सांप पता नहीं कैसे छटक गया उसके शिकंजे से, वो नीचे गिरा और इस आदमी के ऊपर गिरा, इसको डस दिया उसने। उस आदमी ने ऐसा करके उसको फेंका, देखा कि अरे ये तो सांप है, और वो गरुड़ ने वापस उसको पकड़ लिया सांप को और उड़ करके चला गया। आप सोचिए कैसा योग है। वो सर्प वहीं उसके पंजे से छूटा और उसको काटा और फिर वापस वो पकड़ के ले गया गरुड़। तो ये कुछ बातें हैं ऐसी अपने जीवन में भी। ये ज्योतिर्विद्या जो है साधारण विद्या नहीं है, और इसका ज्ञान भी सबको देने योग्य नहीं होता है। जो अपात्र है उसका दुरुपयोग करेगा और इस विद्या को बदनाम करेगा। जैसे आज ज्योतिर्विद्या बदनाम क्यों है? दुरुपयोग करने वालों के कारण बदनाम है, फ्रॉड लोगों के कारण बदनाम है। वो ऐसे शब्द लिखते हैं उसमें एड में कि शर्तिया विवाह हो जाएगा, शर्तिया करोड़पति बन जाओगे फलाना ठिकाना। तो क्या कर सकते हो, संगति और फिर ज्ञान की बात है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, आप कर्म फल को स्वीकार करो, डरो मत, भागो मत, भागने से पाप नहीं कटते। निशंक रहो, निर्भीक रहो, परमात्मा को पहचान लिया है, आत्मा को पहचान लिया है, पाप से डरो, पाप के फल से मत डरो। ये निशंकित अंग। और देखिए भय कौन से होते बता रहे। भय माकस्मिकं पार लौकिकं चैह लौकिकं मृत्य गुप्ति रुजात्राणी संजातमिति सप्तधा। एक आकस्मिक भय होता है, अकस्मात शब्द से आकस्मिक शब्द बना। कस्मात का अर्थ मालूम है क्या है? कैसे कस्मात, यानी किस कारण से, कस्मात कारण। अकस्मात यानी पता ही नहीं किस कारण से। तो जो भय अकारण होता है उसको आकस्मिक भय कहते हैं। बैठे बैठे एकदम डर जाता है, ऐसे ऊपर देखता है पंखा मेरे ऊपर गिर तो नहीं रहा, ये दीवार बीच से अगर क्रैक होकर मेरे सिर पे गिरी तो, ऐसे व्यर्थ कर डरता रहता है। आकस्मिक भय किन धातु से बना हुआ है? फिर पारलौकिक भय। पारलौकिक भय का मतलब होता है कि इस जन्म के बाद का डर लगना। नहीं, हाँ, इस जन्म के बाद मेरा क्या होगा क्या पता, मैंने तो बहुत अनर्थ किए जीवन में और क्या मालूम जब कर्म फल देंगे तब मेरी क्या दशा होगी। फिर आई है लौकिक भय। आई है लौकिक भय का मतलब इस लोक संबंधी भय, इस जीवन संबंधी भय। मृत्यु का भय। फिर अगुप्ति का भय। अगुप्ति का अर्थ होता है गुप्त स्थान नहीं मेरे पास, अगर कोई संकट की घड़ी आ जाए तो मैं ऐसे स्थान पर जाकर सुरक्षित हो जाऊं, ऐसा कोई मेरे पास स्थान नहीं है तो डर लगता है, अगुप्त भय। फिर रुझा भय, रोग का डर लगता है। कोरोना के नाम से आज देख लो अच्छे अच्छे खासी खासी सम्यक दृष्टि होगी, क्या हालत हुई तथाकथित सम्यक दृष्टि होगी, हाल बेहाल हो जाते हैं। रुजा भय। फिर अत्राण भय। नहीं, इसका उदाहरण क्या है ये अपन पूछ सकते हैं जिनसे भी। फिर अत्राण भय का अर्थ होता है कि त्राण, त्राण करने वाले अर्थात रक्षा करने वाले, कोई बॉडीगार्ड्स या कमांडोज जो होते हैं वो नहीं है मेरे साथ,
तो अगर कुछ हो गया तो मेरी रक्षा कौन करेगा, ये भी एक डर रहता है। तो इनसे संजातम उत्पन्न होने वाला जो भय होता है, सबको मिलाकर के सप्तधा, सात प्रकार का भय होता है। आकस्मिक भय, परलोक भय, इहलोक भय, मृत्यु भय, अगुप्ति भय, रोग भय जिसको वेदना भय भी कहते हैं, और अत्राण भय। अत्राण भय का अर्थ असुरक्षा। फिर निशंकित अंग का एक दूसरा स्वरूप भी है। ये निशंकित अंग कुंदकुंद आचार्य महाराज और जयसेन आचार्य महाराज ने कहा कि जो निर्भीकता वाला जो निशंकित अंग है वो उसकी प्रमुखता वीतराग सम्यक दृष्टियों में। अब सराग सम्यक दृष्टियों के लिए क्या है निशंकित अंग बता रहे, किं स्यात् सत्यमिदं नो वा, किं स्यात् सत्यमिदं नो वेत्, त्याप्तोक्ते संशयोज्जिता, मतस्तत्वाचल प्रीति परा निशंकिता मता। किम इदम सत्यम स्यात्, क्या यह सच हो सकता है? आप तो उक्ते जिन वाणी के प्रति, क्या ये सत्य हो सकता है, नोवा अथवा नहीं? इति संशय उज्जिता, इस तरह के संशय से रहित जो बुद्धि होती है मति, उसको निशंकित कहते हैं। और तत्वाचल प्रीति, तत्वों के प्रति अचल प्रीति, इसका नाम निशंकित अंग है। परा निशंकिता मतलब उत्कृष्ट निशंकिता है। फिर निकांक्षित अंग का लक्षण बता रहे, वांछा भावोन्य दृक् ज्ञान वृत्त को वृत्तोत्कर्षेश्व कांक्षता, अत्रामुत्र जाते वा नश्वरेन्द्रियजे सुखे, नश्वरेन्द्रियजे सुखे, देवेन्द्रादिश्रियो यस्मिन् सत्यायान्ति स्वयं सताम्, सत्यायान्ति स्वयं सताम्, सम्यक्त्वेनुपमे तस्मिन् किं तया परचिन्तया, तया चिन्तया पराचिन्तया। अन्य दृक् ज्ञान वृत्तोत्कर्षेषु, अन्य का अर्थ यहां पर छद्मस्थों का जो मत है, अनेक प्रकार के छद्मस्थ मत है जो सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग नहीं है, ऐसे अन्य मार्गों में जो दृग यानी श्रद्धा है, जो ज्ञान यानी ज्ञान है, और जो वृत्त यानी चारित्र है, उनके उत्कर्षेषु उनकी उत्कृष्टता के प्रति आकांक्षिता वांछा भाव, अपने को कोई अभिलाषा नहीं करना, उनकी श्रद्धा उनका ज्ञान उनका चारित्र कितना भी उत्कृष्ट क्यों हो क्यों ना हो, अपने को उसके प्रति कांक्षा नहीं करना है, क्योंकि अपन सर्वज्ञ परमात्मा के श्रद्धालु हैं। तो जो छद्मस्थों के यहाँ जो चल रहा है उसकी आकांक्षा से रहित होना निकांक्षित, एक बात। फिर दूसरा क्या, निष्कांक्षित में दूसरी बात क्या कह रहे हैं, अत्र मूत्र जो जाते व नश्वर इंद्रिय जे सुखे, इस भाव में और आगामी भाव में उत्पन्न होने वाले नश्वर इंद्रिय जनित सुख के प्रति आकांक्षा नहीं करना, ये भी निष्कांक्षित अंग है। और यस्मिन सति, यस्मिन सम्य अनुपमे सम्यक्त्वे सति, जिस अनुपम सम्यक्त्व के होने पर देवेन्द्रादि श्रियो स्वयं सताम आयान्ति, देवों के इंद्रपद आदि की लक्ष्मियां
अपने आप सत्पुरुषों के पास चली आती है। तया पर चिंतया तस्मिन किम, तो उस समय के होने पर फिर उन वस्तुओं की चिंता करने से क्या लाभ। जो विभूतियां स्वयं आ रही हैं, उन विभूतियों की चिंता क्यों की जाए। जिस सम्यक्त के होने पर विभूतियां अपने आप आ रही तो उसमें विभूतियों की चिंता क्यों की जाए। अब यहाँ पर एक बात और है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता कर्म पर वशे शांति दुखे रंतरितो दे पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता नास्ते आकांक्षणम यस्याम असौ श्रद्धा। कैसी श्रद्धा है? कांक्षा से रहित। तो इसमें अपने को दो बातें समझनी है कि सम्यक दृष्टि जीव जो है उसके सम्यक दर्शन में किसी सांसारिक सुख की कांक्षा नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि में जब तक राग का उदय है और वो भी सर्वघाती कषाय के रूप में उसका उदय है, तो उसके उदय में उसको सांसारिक सुख की कामना पाई भी जाती है सम्यक दृष्टि जीव में, लेकिन वो धर्म के बदले सांसारिक सुख नहीं चाहता। इतना विशेष मिथ्या दृष्टि जीव धर्म के बदले भी सांसारिक सुख चाहता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव धर्म के बदले सांसारिक सुख नहीं चाहता। जिन वच में शंकान धार वृष भवसुख वांछा भाने, वृष यानी धर्म को लेकर भवसुख की वांछा को भाने यानी भंग करता है, ये नेकांक्षित अंग है। नेकांक्षित अंग का अर्थ ये नहीं है कि सांसारिक सुखों की कामना सम्यक दृष्टि में नहीं होती। निदान ध्यान कौन से ध्यान गुणस्थान तक होता है? पांचवा गुणस्थान तक होता है। निदान ध्यान का अर्थ क्या होता है? भोगों की अभिलाषा को निदान कहते हैं। भोगाभिलाषा निदान है। तो भोगाभिलाषा जब पांचवे गुणस्थान तक है तो फिर आप ये कैसे तय कर सकते हो कि नहीं भोगाभिलाषा मिथ्या दृष्टियों को ही होती है, समय दृष्टि का तो निष्कांक्षित अंग है तो वो थोड़ी कांक्षा करेगा, ऐसा नहीं है। वो अपनी श्रद्धा में कांक्षा नहीं करता, अर्थात सांसारिक कामना के बदले अपनी श्रद्धा का बलिदान नहीं करता, ऐसा इसका अभिप्राय लेना होगा समंतभद्र आचार्य महाराज के वचनानुसार, नहीं तो फिर वो सिद्धांत से बाधा आएगी ना। निदान ध्यान हुआ है। अब जैसे नंदीशयन मुनि थे, उन्होंने संलेखना के समय निदान कर लिया, इतने जबरदस्त मुनि थे, इतने रिद्धिधारी मुनि थे, लेकिन संलेखना के समय उनके परिणाम वैसे हो गए, निदान कर लिया उन्होंने। तो निदान करने से सब कट गया, तो वही मिलेगा नहीं, वो अब सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हुआ था महाराज जी, वो इसलिए तो वही मिलेगा, वो पंचम गुण स्थान में आए, पंचम गुण स्थान में उन्होंने निदान कर लिया। अब परिणाम ये निकला कि देवलोक को प्राप्त हो गया संलेखना पूर्ण होने पर, और वहां से आकर के वो कुछ मतों के अनुसार कामदेव बनते हैं। लेकिन आचार्य लिखते हैं कि यदि वो उतना निदान नहीं करते तो इतनी तपस्या थी उनकी, इतनी भक्ति सेवा थी उनकी कि वो तीर्थंकर ही बनते, वो इतना उत्कृष्ट उनका पुण्य था कि वो पुण्य उनको तीर्थंकर बना देता, लेकिन वो उन्होंने निदान कर लिया तो उसके कारण वो कामदेव बने। कुछ शलाका पुरुषों के पद, कुछ पुण्य पुरुषों के पद निदान से भी प्राप्त हो जाते हैं, यदि उतना पुण्य पल्ले में हो तो, अन्यथा नहीं। यहाँ पर अभी कोई भी बैठ करके सोचे कि मैं फलाना बन जाऊं तो ऐसे थोड़ी बन जाएगा सोच के, तो उस उतना उत्कृष्ट पुण्य आवश्यक है उसके। तो आप सोचिए कि उन्होंने जो निदान किया था वो मिथ्या तो नहीं था, वो मिथ्या तो नहीं था उनका। ये सोचना आपको कि किन तया पर चिंतया, उन वस्तुओं की चिंता से क्या लाभ है,
जब सम्य अनुपम सम्यक्त के होने पर सब विभूतियां स्वयं सत्पुरुषों के पास चली आती है, तो सम्यक्त को संभालना अपने को, उनकी चिंता नहीं करना है क्या मिलने वाला, छोड़ो। इसके उपरांत निर्विचिकित्सा अंग का कथन है। तीव्रम जैन तपस्तत्र निंजन चामज्जनादिकं सम्यगन्यदिति स्वान्त त्याग स्यान्निर्जुगुप्सता। रत्नत्रय पवित्राणां छर्दिलालाद्यपूहनि विचिकित्सात्ययुवासा ज्ञात्वा गात्रा पवित्रताम्। जैन तप तीव्रम, देखो विचिकित्सा दो प्रकार की होती है, भाव विचिकित्सा और द्रव्य विचिकित्सा। भाव विचिकित्सा में क्या है, जैनत्व के प्रति अपने भाव पूरे के पूरे समर्पित नहीं हो पा रहे, अपने अंदर कुछ खलबली हो रही है, कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है। कैसा, बोले जैन तपन तप तीव्रम, जैन तपस्या बहुत तीव्र है, काश थोड़ी नरम होती तो अच्छा है। फिर दूसरी बात क्या है, तत्र च उसमें भी, अब ये दीक्षा ली लेकिन वहां भी अमज्जनादिकम निंद्यम, स्नान नहीं करते दिगंबर मुनि, दंत मंजन नहीं करते, ये सारी बातें बड़ी निंदनीय लगती, घृणा होती इन बातों से, ये भाव विचिकित्सा है। अगर इतना नहीं होता तो फिर जैन धर्म तो सर्वश्रेष्ठ था, बस ये बातें खटक जाती है, बोले अखर जाती है, ये विचिकित्सा है। और सम्यक अन्य देते, अब अन्य स्थानों पर ये कमियां नहीं है इसलिए वो सही लगते हैं, कम से कम नहाते तो मुख शुद्धि तो करते हैं, वो सही लगते हैं। इति स्वांत त्याग, इस प्रकार का जो मन है उसको त्याग देना, निर्जुगुप्सता मता, उसका नाम निर्जुगुप्सता है, निर्विचिकित्सा है। और अब रत्नत्रय पवित्राणां, जो रत्नत्रय से पवित्र हैं ऐसे साधु जन, उनकी छर्दी का अर्थ उल्टी, लाला यानी मुंह से लार टपक रही, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो ये मांसपेशियां काम नहीं करती, और कभी मुंह से कौर गिरने लग जाते हैं, कभी तरल पदार्थ बाहर आ जाते हैं, लार टपकती है, तो उनको स्वच्छ करना हो, उनकी सेवा करना हो, तो उनको दूर हटाने के समय विचिकित्सात्यय, विचिकित्सा का अत्यय होना अर्थात ग्लानि का अभाव होना, वासा ये भी निर्विचिकित्सा है। पर ये कैसे संभव है, तो फिर गात्रा पवित्रताम ज्ञात्वा, बोले कि गात्र जो होता है शरीर वो अपवित्र ही होता है, आज मैं उनकी उनकी इन इन परिणतियों को देख करके मुझे ग्लानी हो रही है, क्या मेरे अंदर नहीं है वो सब, तो मैं क्या ग्लानी करूं। अब कोई स्वयं श्याम वर्णी है, वो किसी को बोले कि कल्लू कल्लू कल्लू, अच्छा लगेगा क्या? तो जो चीज अपने शरीर में पूरे गात्र पवित्रता ज्ञात्वा, गात्र की पवित्रता को जानकर और रत्नत्रय से पवित्र आत्मा को जानकर, उनके शरीर में यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो सेवा के समय ग्लानी न करने का नाम विचिकित्सा है। बड़ी बात है, और परीक्षा भी होती है इसमें सम्यक दर्शन की, सरल काम नहीं है, सम्यक दर्शन की लंबी चौड़ी मीठी मीठी बातें करना बहुत सरल है, लेकिन विचिकित्सा का अभाव बहुत कठिन परीक्षा है। आप देखिए जब देवलोक में उदयन राजा की प्रशंसा हुई थी सम्यक दर्शन की उनके, तो फिर एक देव ने इतनी कठोर परीक्षा ली थी उनकी कि उस कथा को पढ़ करके अपना हृदय कंपित हो जाता है कि ऐसी स्थिति अगर साक्षात अपने सामने हो जाए तो क्या हालत हो जाएगी,
उद्यान राजा की कथा उपासक का अध्ययन ग्रंथ से पठनी है, क्योंकि वो जो शैली है उनके वर्णन की सोमदेव सूर्याचार्य की अद्भुत है, एकदम सामने दिखने लग जाता है वो सब कुछ। और फिर जो देव परीक्षा लेने आया था ना मुनि का वेश धारण करके, वो इनके चरण पकड़कर अपने असली रूप में आ जाता है कि हे राजन, इंद्र की प्रशंसा सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि इंद्र की प्रशंसा इस घटना के समक्ष न्यून थी। इंद्र आपके योग्य प्रशंसा नहीं कर सका था, आप इतने प्रशंसनीय हैं। बहुत बड़ी बात है निर्विचिकित्सा, और करते हैं बहुत सारे बहनें हैं भाई लोग हैं जो संलेखना के समय वैयावृत्ति करते हैं, और संलेखना के समय जो मवाद निकलती है यहाँ से बेड सोर्स हो जाते हैं ना, लेटे लेटे छाले पड़ जाते हैं, तो वहां से मवाद निकाली होती है, एक सिकड़न नाक के ऊपर ना हो, दुर्गंधारी कोई बात नहीं। सबको अनुभव है, जो जो साधुओं की संगति में रहे और जिनने सेवा की है वो सब जानते हैं, करवट बगरवट सब बदलानी पड़ती है। जितने तीर्थंकर भगवान को आनी होती है, जितने तीर्थंकर भगवान खेलते हैं और जितने लिखवत कर देते हैं, जितना बोला उतने लिखवत होता है नहीं होता, कोई नहीं सकता। अनंत भागो सुख नहीं पत्तो बोला ना, पंडव निज्जानम पुणर अनंत भागो सुध निबद्ध, ये लिखा दिव्य ध्वनि में जो विषय दिया भगवान ने उसका अनंत भाग 12 अंगों में आया। तो क्या बात है, मतलब दिव्य ध्वनि का वर्णन इसमें जोड़ लो कि 12 अंगों में जो विषय है उससे अनंत गुना भगवान की दिव्य ध्वनि। नहीं नहीं, अपन इतने बड़े नहीं होंगे, नहीं कभी नहीं, मतलब अपने को इस बात को हमेशा स्मरण रखना है, अपनी मर्यादा को कभी भी नहीं भूलना है, यानी आप कभी भी इतने बड़े नहीं हो सकते कि आप उनसे आकड़ दिखा दो या उनके प्रति कठोर वचन बोल डालो, कभी नहीं। उनने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया। अब यहाँ पर हम त्यागियों की बात कर रहे हैं, रास्ते में इतने उंगली माँ बाप ने उसको बड़ा इतना बड़ा बना दिया, वो अगर शरीर कुछ नहीं करे बैठ के भी खा जाए तो उसको जिंदगी आराम से निकल जाएगी, निकल जाएगी। ऐसे माँ बाप को स्कूटर पे बैठाया पीछे आप दोनों को, और आके रास्ते में फेंक दिया और हम फेंक दिया, बाप माँ और जो बात थे उन घर लेके निकल गए जंगल में छोड़ दिया। एक किसी फॉरेन टीचर ने बोला, लुईस एल हे ने, कि आपका वृद्धों के प्रति जो व्यवहार है वो आपका ही भविष्य है। लड़का आप अच्छा बर्ताव करोगे तो आपके साथ बुढ़ापे में अच्छा बर्ताव होगा। बेटे का बेटा जो बहू उसको खाने खाए भी दे रही थी माँ बाप को सकोरे में, फिर वो उस बेटा क्या के सब देता, बेटा बाद में सी करते 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 धीरे लगा दिया। एक दिन माँ पूछते है काय गलत है भैया, फिर मैं पापा को कहा से लाऊं मैं आपके लिए, तो मेरे भी कर रही होना है यानी आप दादी को और दादाजी को इसमें खिलाते हो। हाँ, कल मैं कहा से लाऊं, बच्चा देख रहा था सब तमाशा, फिर उसने वो सब इकट्ठा कर लिया सामान, फिर एक बार पूछने में आ गया कि ऐसा क्यों किया हमने, तो बोली कि
आप लोग जो कर रहे हैं, जब आप लोग भी वैसे हो जाएंगे तो मुझे भी तो ये करना होगा ना, ये परंपरा फिर टूट जाएगी अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे तो परंपरा निभानी है, उनकी हालत होगी। इसको आचार्य विद्यासागर महाराज बहुत अच्छे से सुनाते थे ये घटना। नहीं नहीं ये वाले जो एक बालक देखता था हमेशा अपने माँ बाप को, वो दादा दादा दादियों के साथ बड़ा उनका बर्ताव वो था गलत। आपके बालक ऐसे है कुछ कुछ बालक, आज के ऐसे कुछ कुछ बालक भी इस तरह के हैं, घर में दादाजी के साथ बात करेंगे लेकिन माँ बाप बेटा तो बेटा तो बहू तो कभी दादाजी से बीच बीच बात कर सकते, लेकिन बेटा जो होता है ना बहुत होता तो दादाजी बाहर बैठ सकता बोल और खुशी मजाक करता। ये सेवा जो है बचपन से सीखना ज्यादा अच्छा है। एक बार परसोरिया में बैठे हुए थे, केशलोंच किया था हमने, उसके पहले की बात है, तो एक बालक आकर के हमारे पैर दबाने लगा, तो हमें ऐसा लगा कि ये सब लोग जैसे पैर दबाते हैं वैसे नहीं दबा रहा है, तो हमने पूछा कि आपने ये कहाँ से सीखा, तो बोलते हैं कि हम दादाजी की सेवा करते हैं, तो हमने उसको अच्छे से आशीर्वाद दिया, तो दादाजी की सेवा करने से उसको समझ में आ गया था कि कैसे दबाना पड़ता है, दर्द होता है तो फिर कैसे दबाते हैं और कहाँ कैसे मोच वगैरह आती है, कुछ भी होता है कैसे करना होता है। और ऐसे ध्यान लगता नहीं है शुक्ल ध्यान, जो लोग सोच रहे हैं ना कि अपन ये सब इतने लंबे रास्ते से क्यों चले, अपन शॉर्टकट में सीधे शुक्ल ध्यान प्राप्त करके मोक्ष चले जाए इतना हंसी खेल नहीं है शुक्ल ध्यान। बचपन में हमारी माँ को कैंसर हो गया पेट में, अंतिम समय बहुत खराब हो गया, उन्हें जितना भी खून निकलता था खून से बाल्टी दो दो बाल्टी खून निकलता था, फिर उसको नीचे उठा रखा था, और रूप में दो बहने पिताजी कोई भी पास में नहीं जाती थी कि वो कमरे में नहीं जाते थे, तो मेरे को डाल देते, छोटा बच्चा था मेरे को क्या बोल रहा, तो मेरे अंदर डाल देते लोग बाल्टी में भर दो बजे सभी चारों तीनों कोई आना आया जाता मैं अंदर जाता था, लेकिन वो बात उसको हम लोग समझ नहीं आएगी, मैं कर लेता था पता घर ना पूरा, फिर कपड़े लेना सूखा करना फिर सुला लेना पारा करने जाना फिर घर फिर गिरा ऐसे वहां बैठे रहता था, और सब बाल्टी जब भी भरेगी ना हाथ से भर देना, लगता था वहां जमीन पे ये गाय का गोबर गोबर की जमीन जब सब गड्ढे करते थे ना उसमें जमते थे तब फिर हाथ से भर भर के निकाल देता, फिर बाद में फिर कपड़े डाल दिया फिर गीला गीला हो गया, ऐसे करते करते कम से कम दो तीन महीने तक करा, उसके बाद वो खत्म ही हो गई। फिर डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर ने बोला कि ये इसको अमेरिका दिखा दो सही हो जाएगी, तो यही ठीक हो रही है वहां क्या होने वाली, पिताजी ने बोला नहीं ये जैसे होगा वैसा ही नहीं हो जाएगा, तो दवाई थी तब चल गई दवाई खत्म हो गया, कोई भी पास में नहीं जाता था घृणा करते सबको आती थी ये बात है, लेकिन हम जा चुके बच्चे बार बार में गुस्सा करके पकड़ाएंगे और अंदर घर जाकर दिखा कर कोई दूसरे को अंदर के कमरे में कोई जाए स्मेल आती होगी उसमें, स्मेल आती है कैंसर की गंध तो आती है जैसे गंध बहुत कई बहुत अंदर जा नहीं सकते, लेकिन बच्चों को भी कई बात इसे साथ की बच्चे से घर के डाल देते बाहर, बच्चों की इंद्रियां ज्यादा तेज होती है, फिर भी ठीक है। तो घ्राण इंद्रिय के विषय में कहते हैं कि वसंत ऋतु में जिसका जन्म होता है उसकी घ्राण इंद्रिय तेज होती है, ठीक है। तो अभी नवी चिकित्सा तक के आज अपन आए हैं, इसके बाद अपन आगे चलेंगे। जय नम जय तुशासन अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वजन।